बिहार विधानसभा का विशेष सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं वो गमछे लेकर, देखिए जो बीजेपी की का जो गमछा है उसको लेकर जो है वो फिर विधानसभा में पहुंचे हैं। सर, लगातार गमछा लेकर आप लोग पहुंच रहे हैं, क्या ये दिशा निर्देश है? क्या देखिए, पार्टी का दिशा निर्देश नहीं है, विजय के प्रतीक है केसरिया और हमारे छत्रपति महाराणा प्रताप, शिवाजी और जितने वीर लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई और मुगलों साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, वही यही केसरिया भगवा ध्वज को लेकर चला। और ये भगवा ध्वज भारत की राष्ट्रवाद की संस्कृति के प्रतीक है। भगवान का भी रंग भगवा का रंग से उगते हैं और डूबते हैं। सदन में कई लोग गुस्से हो रहे हैं इस रंग को देखकर। बस सुनिए, ये तिरंग देखने वाले देखेंगे आज जो इस तिरंग से बेमेल गठबंधन किए हैं, हैं? अब जो शुक्राचार्य से गठबंधन कर लिए, वो शुक्राचार्य भी हमारे संत थे, हैं? शुक्राचार्य संत थे, अब महादेव को कहाँ लेकर गए थे? अध्यात्म देखिए, तो जो अध्यात्म की जानकारी नहीं रखता है, जो भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं रखता है और जो बिहार की जनता के बारे में नहीं समझता है और उस समझ रहा है कि यार हमारा जागीर है, काफी आक्रामक है। आक्रामक है, अभी गर्म पानी से भेंट नहीं हुआ है, उसके पापा से पूछिए गर्म पानी क्या होता है। अब सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े गए हैं, उस सत्याग्रह आंदोलन में थोड़े रांची कोर्ट में गए हैं, तो गर्म पानी तो बेचारे झेल रहे हैं। अभी जाएगा तो फिर इसको भी समझ में आएगा। बिहार किसी की जागीर नहीं है, बिहार के हर बिहारियों का ये बिहार है और हर बिहारियों के लिए बिहार का गौरव और बिहार का इतिहास, बिहार को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए हर बिहारियों का कर्तव्य है, हर बिहारियों की जागीर है, किसी के जागीर अकेले नहीं है बिहार। तेजस्वी जी काफी आक्रामक दिख रहे हैं सदन में भी और बाहर में भी, क्या लगता है तेजस्वी जी का ये बौखलाहट क्या दिखाता है? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा करे, चौक चौराहे पे जैसे कोई लड़का इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना एक उप मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा कहीं भी लोकतंत्र में शोभनीय नहीं है, अपराहट में है लगता है। बिल्कुल, ये बौखलाहट है, परेशानी है, तनाव है और आगे विजन नहीं है कि कैसे बिहार के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए ना। चार चार विभाग ले लिए हैं, कह रहे हैं कि पैर में फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट में फ्रैक्चर है, तो बैटिंग बॉलिंग कीपिंग सब वही कर लेंगे। और भाषा कैसी है, भाषा गली चौराहे पे कैसे, गली चौराहे का कोई उदंड और दबंग लड़का जैसे बात करता उस तरह की भाषा है, ठंडा कर देंगे, चौकीदारी करेंगे। ये उप मुख्यमंत्री की भाषा है क्या आगे ठंडा कर देंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आप लोग चौकीदारी करेंगे। बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है और लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है, जनता मालिक है और जनता ठंडा करने वाले को ठंडा कर देती है। आप लोग चौकीदारी करेंगे? चौकीदारी नहीं, पूरी मौजूद माने मजबूती के साथ चौकीदारी हम लोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति आज बोल रहे हैं ठंडा करेंगे, 90 के दशक में और 2000 तक उनके माताजी और पिताजी को भी बिहार के जनता ने ठंडा कर दिया था, और जिस व्यक्ति के विषय में उन्होंने कहा ठंडा कर देंगे, वैशाली के धरती से आते हैं नित्यानंद राय जी, भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है और वैशाली लोकतंत्र की जननी है, वहां के धरती के लोग हम लोग बहुतों के ठंडा कर दिए हैं, उनके माता और पिता को भी लोगों ने ठंडे किया है, और उस समय नित्यानंद राय जी ठंडा किए हैं, बिहार के जनता ठंडा किए हैं जिस समय बिहार में जंगल लाजू चला रहे थे। इसलिए वो ठंडा की चिंता मत करे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक ठंडा करने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो विधायक हैं वो लोग काफी आक्रामक है, उत्तेजित है, और खासतौर पर जिस तरह तेजस्वी यादव ने जो अब कहा है, तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि आपने देखा जिस दिन ये नीतीश कुमार जी को शर्म लगना चाहिए, 10 तारीख के दिन बिहार में बेमेल गठबंधन के सरकार बिहार में शपथ ले रही थी, बिहार सत्ता का सुख भोग रहे थे, उस समय एक पत्रकार की हत्या होती है। आज रात ही, कल ही आपने देखा दरभंगा में एक दलित, एक पासवान समाज के बेटा के साथ जिस प्रकार से अन्याय होता है, उसको बांध कर उसको मारा जा रहा है, उसको चमड़ी टाना जा रहा है, छड़ धिपा कर उसको बदन को दागा जा रहा है, जब वो पानी मांगता है तो पानी के बदले उसको पेशाब पिलाया जा रहा है। कहाँ है नीतीश कुमार जी, जो आप कहते हैं दलितों का रहनुमा है,
आपने वोट के कारण दलित को बांटने का काम किया।